श्रीमती ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया तो जिक्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी किया और ये भी कहा कि राहुल गांधी अपने परिजनों के साथ बर्फ खेलते हुए कश्मीर में नजर आए थे। ये राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद ही संभव हो पाया है। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, शेम। आज तक नहीं गए, शेम। शेम। क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। शेम। 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 मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला बट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गलीव। पुनः कहती हूँ, रलीव सलीव गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे बर्फ के गोलों के साथ, अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई है। आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कल कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई सामने आते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, पहले वक्ता होते हैं। कल इस बात पर हंगामा था कि राहुल गांधी सदन में मौजूद थे लेकिन भाषण नहीं दिया, पक्ष नहीं रखा। आज हंगामा इस बात पर है कि राहुल गांधी ने जब अपना भाषण खत्म किया तो उनको शब्दों का चयन करना नहीं आता है, वो संसद की गरिमा को भूल गए। अभी भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर महिला सांसदों ने
शिकायत की है स्पीकर से, राहुल गांधी के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है, राहुल गांधी की बर्खास्तगी की मांग की गई है। और अब से कुछ